एलॉन मस्क, आई रियली लव दैट पर्सन मैन. मतलब आई रियली लव हिम. व्हाट अ पॉजिटिव एटीट्यूड ही हैज. बेसिकली अगर आप देखना ना, क्या हुआ कि एलॉन मस्क, आपको पता है कि एलॉन मस्क एक बार ना बैंक करप्ट होने वाला था. उसके पीछे का रीजन था कि उसने सारा पैसा स्पेस एक्स में लगा दिया. उसके जो शुरू के 3 रॉकेट थे वो तो हवा में ही, दो रॉकेट आई थिंक, 2 रॉकेट या 3 रॉकेट हवा में ही खल्लास हो गए थे, खत्म हो गए थे, 2 या 3 शुरू के. सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया उसके अंदर, और वो स्पेस में पहुंचे ही नहीं, बीच पहले आग लग गई. अब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि जिसे एक रॉकेट वो लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी फेल हो जाता है ना, वो भी उसमें भी ब्लास्ट हो जाता, तो उसके बाद वो बैंकरप्ट था. मतलब एलॉन मस्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, समझ रहे हो. फिर भी उस बंदे ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस लास्ट लॉन्च पे लगा दी. अपनी जिंदगी भर की कमाई लास्ट लॉन्च पे लगा दी. लोगों ने बहुत कहा पागल है ये, पागल आदमी है, लोग बिलीव नहीं करते थे. पता है आप उसका एक इंटरव्यू देखना, मतलब इसीलिए कहते हैं कि लोगों के 100 मुंह 100 बातें होती है. मतलब ऊपर वाले ने लोगों को मुंह दे दिया है, 32 दांत दिए हैं, तो दिमाग नहीं इस्तेमाल करते कि हमें बोलते टाइम सोचना है. वो सोचते हैं हम ही होशियार हैं, बाकी सारी दुनिया पागल है. सो ऐसी करके उसके साथ भी हुआ, और उससे पता है दुनिया बोलती थी चलता था उसे, लेकिन ना जो उसको वो बहुत मानता था, एक बंदा था, मैं नाम भूल गया हूँ, बट वो एलॉन मस्क उसको बहुत मानता था, बहुत बहुत ज्यादा गुरु की तरह मानता, मतलब ही रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. उस बंदे ने जब कहा कि एलॉन मस्क इज अ मैड पर्सन जो अपनी जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद कर रहा है ऐसे सपने के लिए जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, उनकी थॉट प्रोसेस खराब है, और बहुत निंदा की एलॉन मस्क की. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं असली बात. जब ये सारा हो गया तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर उसने कुछ बोला नहीं. फाइनली उसका जो थर्ड या फोर्थ जिसमें उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा था वो सक्सेसफुल हो गया, वो पहुंच गया ऑर्बिट में. ऑर्बिट में पहुंचने के बाद भाई साहब बारे नारे हो गए, ऑर्बिट में पहुंच गया. उसके बाद नासा ने बैक किया स्पेसएक्स को, नासा ने फंड दिया, बैक किया स्पेसएक्स को. तब एलॉन मस्क के इंटरव्यूज आए, और उन इंटरव्यूज में ही वाज लिटरली क्राइंग, वो रो रहे थे, पता है आपको, वो रो रहे थे, और रोते हुए मतलब उनकी आंखों में आंसू था. क्यों पता है, वो रोते रोते ये बोले कि मैं उस बंदे की बात करते हुए कि मैं उस बंदे को अपना आइडल मानता था. आइडल मतलब मैं उन्हें रिस्पेक्ट से देखता था, और क्योंकि ये सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा था कि तुम्हारे आइडल ने ऐसा बोल दिया तो तुम्हें कैसा लगा, then he was crying and he was saying कि मैं उन्हें अपना आइडियल मानता था. और जब उन्होंने ये बात बोली तो, and I was so emotional at that time कि वो ऐसा कह रहे हैं.